Hi friends, welcome to the channel JAV and CIV Made Simple. So, this is our What to a Study in AFM Part 3 lecture. सो देखिए ए एफ एम में हमने दो लेक्चर वार्ड टू तो स्टडी के प्रोवाइड किए और आपको तीन लेक्चर प्रोवाइड किए हैं फार्मूला पी डी एफ का तो देखिए बहुत सारा चीज ना मिलता जुलता है बहुत सारा चीज फार्मूला पी डी एफ में हमारा वार्ड टू तो। इसलिए मैंने क्या किया है कि जो हमने वार्ड टू तो फार्मूला पी डी एफ में कवर किया है उसे हम वार्ड टू तो स्टडी में कवर नहीं कर रहे हैं क्योंकि मतलब ही नहीं है कवर करने का दैट्स वाई आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा फार्मूला पी डी एफ का भी वीडियो आप देखें ठीक है और जो सिंगल वीडियो मैंने बनाया है सिंगल वीडियो है आपका ढाई घंटे का आई थिंक इट इज टू आवर्स वीडियो और यदि आप

है 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 कि आप आप उसको 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 जो भी figures है ना लाख या उसके decimal equivalent में आप क्या कीजिए कीजिए ये पहला केस होता right. राइट केस वेन टर्न ओवर दूसरा होता है कि करोड़ हो या उससे ज्यादा हो ठीक है उस केस में हमारा क्या होगा कैसे राउंड ऑफ करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को

करोड़ या डेढ़ सौ रुपए यहाँ पे एक पॉइंट को समझिए जो कि हमारा यूनिफॉर्मिटी जैसे ही आपका कोई मेजरमेंट का जो यूनिट है वो आपने चूज कर लिया उसको आपको कंसिस्टेंटली अप्लाई करना है थ्रू आउट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो ये सवाल पिछले बार पूछा गया था कि टर्नओवर जो है सौ करोड़ से ऊपर दे दिया था तो आपसे पूछा गया था कि फिगर को किस में राउंड कर सकते हैं याद रखिए लाख में राउंड कर सकते हैं मिलियन में कर सकते हैं करोड़ में कर सकते हैं राइट और यदि आपसे पूछा कि सौ करोड़ से कम है तो क्या करेंगे तो नियरेस्ट हंड्रेड में करेंगे थाउजेंड में करेंगे लाख में करेंगे मिलियन में करेंगे तो ये देखिए लाख और मिलियन दोनों में कॉमन है बाकी तो हंड्रेड और थाउजेंड जो है सौ करोड़ से कम में है और सौ करोड़ के ऊपर जो है हमारा आ, करोड़ है और डेसिमल इक्विवेलेंट है याद रहेगा ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है चलिए अब एक और पॉइंट है जो कि यहाँ समझना हमें जरूरी है वो है कॉम्पेरेटिव फिगर देखिए हमारे जो पिछले साल के जो रिपोर्टिंग पिछला जो रिपोर्टिंग पीरियड था उसका जो कॉम्पेरेटिव फिगर होगा उसको हम लोग इंक्लूड करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के सभी आइटम्स के लिए ठीक है एक्सेप्शन क्या है हमारा फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आफ्टर इनकॉर्पोरेशन मतलब इनकॉर्पोरेशन के बाद जो पहला फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है उसको यदि छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होंगे उसको उस पर हम लोग कॉम्पेरेटिव फिगर को इंक्लूड करेंगे राइट right. चलिए एक पॉइंट और समझिए सवाल कर लेते हैं डेढ़ सौ करोड़ रुपया का है तो कौन सा राउंडिंग ऑफ रूल अप्लाई होगा नियर हंड्रेड लाख मिलियन या नियरस्ट लाख मिलियन करोड़ और डेसिमल देर ऑफ तो अभी मैंने आपको बताया था कि सौ सो करोड़ सॉरी डेढ़ सौ करोड़ या उसके ऊपर यहाँ डेढ़ सौ करोड़ है ना सौ करोड़ से ऊपर है तो सौ करोड़ से ऊपर है तो आपको क्या करना है हंड्रेड थाउजेंड नहीं करना है आपको लाख मिलियन करोड़ और डेसिमल में नियरेस्ट उसमें राउंड ऑफ करना है तो ये बातें याद रहेंगी आपको आप पूछेगा मान लीजिए दो सौ करोड़ है दो सौ करोड़ में भी यही होगा मान लीजिए बोलेगा पचास करोड़ है तो फिर आपको अलग होगा अच्छा सवाल है किस सिनेरियो के अंदर ये मैंडेटरी है कि हम कंपेरेटिव फिगर प्रोवाइड करें प्रेजिडिंग फाइनेंशियल ईयर का देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अभी मैंने आपको कंपेरेटिव फिगर बताया था देखिए एमसीक्यू करने का यही मेन मकसद है कि हम हो सकता है कि थ्योरी पढ़ते वक्त हम किसी चीज़ को ध्यान ना दिए हों तो एम में वो कवर हो जाता है तो कंपेरेटिव फिगर जो प्रीवियस फाइनेंशियल प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड का है उसे इंक्लूड करेंगे सभी आइटम्स के लिए तो तो बताइए ऑप्शन नहीं कर रहा है वनली वन कंपनी है लेस देन 100 करोड़ वनली वन कंपनी टर्न ऑवरा मोर देन 100 करोड़ तो ऑप्शन नंबर सी कर रहा है इन ऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सेप्ट द फर्स्ट वन आफ्टर इनकॉर्पोरेशन तो जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गए ना इनकॉर्पोरेशन वाले को छोड़कर सभी के अंदर आपको कंपेरेटिव यहां पे एक पॉइंट लिखा जा रहा है कि हम ये मैंडेटरी है कि हम कम्पेरेटिव फिगर प्रोवाइड करें राइट तो होपफुली आपको ये भी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा चलिए आगे बढ़ते हैं पेज नंबर तीन सौ अठारह में आइए और मैं आपको ले चलता हूँ फंड फ्लो स्टेटमेंट की दुनिया में देखिए दोस्तों फंड फ्लो स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि जितने भी आपके बैलेंस शीट आइटम्स होते हैं ना वो या तो सोर्स ऑफ फंड दिखाएंगे यानी लाइब्रिटीटी को दिखाएंगे या यूज ऑफ फंड को दिखाएंगे जिसको हम लोग एसेट बोलते हैं राइट दो ही चीज शो करते हैं तो आप देखिए कैश की बात करें तो कैश का मतलब क्या होता है कि हमारा फंड का वो पोर्सन जो कि अनयूटिलाइज है तो इसको हम यूज ऑफ फंड के रूप में में देखते हैं तो सोर्स ऑफ फंड लाइबिलिटी गया, यूज ऑफ फंड हमारा एसेट हो गया और कैश एक तरह का आपको पता है एसेट होता है राइट right. करंट एसेट होता है तो यदि आप उसको यदि कैश को आप यूज ऑफ फंड के रूप में व्यू करेंगे तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट करता है फंड फ्लो और कैश फ्लो स्टेटमेंट में तो एक पॉइंट आता है जिसको हम लोग समझते हैं जो कि हमारा कंपेरेटिव बैलेंस शीट क्या मतलब होता है इसका कि हमारा जो बैलेंस शीट आइटम है उसमें जो बदलाव आते हैं उसमें जो चेंजेस आते हैं दो डेट के बीच में वो या तो एडिशनल सोर्स को इंडिकेट करेगा या यूज ऑफ फंड को इंडिकेट करेगा समझे देखिए दो मान लीजिए दो डेट हमने चूज़ किया उसमें हमारा क्या हो रहा है कि बैलेंस शीट आइटम में चेंजेस आ रहे हैं

तो एक होता है हमारा एडिशनल सोर्स ऑफ फंड एक होता है हमारा एडिशनल यूज ऑफ फंड तो सोर्स ऑफ फंड मतलब लाइविलिटी यूज ऑफ फंड मतलब एसेट होता है आपको पता होना चाहिए तो जब भी हमारा एसेट बढ़ेगा तो हम कहेंगे कि हमारा यूज ऑफ फंड एडिशनल हो रहा है और जब भी हमारा लाइविलिटी बढ़ेगा तो हम बोलेंगे सोर्स ऑफ फंड हमारा एडिशनल हो रहा है तो ये आपको पता होना चाहिए अब देखिए कैश फ्लो और फंड फ्लो स्टेटमेंट में क्या बेसिक डिफरेंस होता है सबसे तो पहला चीज़ कॉमन क्या है कि ये दोनों के दोनों जो है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के मैंडेटरी पार्ट हैं राइट सो बोथ ऑफ देम आर मैंडेटरी पार्ट ऑफ अवर कॉमन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पहला पॉइंट है अच्छा अंतर यह है अब हम लोग अंतर को देखते हैं कि हमारा फंड फ्लो और कैश फ्लो में क्या डिफरेंस है देखिए ये क्या करता है कि ये दोनों ना कैश फ्लो को ऑपरेटिंग फाइनेंशियल और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से सेपरेट करता है और ये कैश पोजिशन को डिटरमाइन करता है एंड ऑफ द पीरियड यहाँ पे हम लोग कैश अकाउंटिंग का यूज करते हैं लिक्विडिटी एसेस करना देखिए हम कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं भैया टॉकिंग अबाउट द कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश फ्लो को ऑपरेटिंग फाइनेंशियल और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से सेपरेट करता है ये पीरियड के अंत में हमारा कैश पोजीशन क्या रहेगा उसको डिसाइड करता है और कैश अकाउंटिंग का यहाँ पे यूज किया जाता है ये सभी हमारे कैश फ्लो अकाउंटिंग के एग्जांपल्स हैं और दूसरा पॉइंट होता है हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हमारा फंड फ्लो स्टेटमेंट ठीक है अब फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है आप इसको समझिए व्हाट इज फंड फ्लो स्टेटमेंट तो ये कोई मैडेट्री नहीं है यहां का सेग्रीग्रेशन नहीं होता है ये डिटरमाइन करता है कि हमारा वर्किंग कैपिटल में क्या चेंजेस आ रहे हैं वट आर द चेंजेस इन हमारे कैपिटल यहां पे हम लोग एप्रूवल अकाउंटिंग का यूज करते हैं यहां पे हम लोग ये हमें लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्ट्रेटजी को एसेस करने में हेल्प करता है तो अभी हमने दो तरह का स्टेटमेंट की बात की पहला कैश फ्लो दूसरा फंड फ्लो तो मैंनेट्री

कैश फ्लो को हम लोग कब डिटरमाइन करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें क्या बताता है कि हमारा कैश पोजीशन क्या है एट द एंड ऑफ पीरियड जबकि हमारा जो फंड फ्लो स्टेटमेंट होता है वो हमारे वर्किंग कैपिटल में जो चेंजेस आ रहे हैं उसको डिटरमाइन करता है कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम लोग कैश अकाउंटिंग का यूज करते हैं और फंड फ्लो स्टेटमेंट में हम लोग अकाउंटिंग का यूज करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारे लिक्विडिटी के बारे में बताता है फंड फ्लो स्टेटमेंट हमारे लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्ट्रेटजी के बारे में बताता है अब मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि फंड फ्लो स्टेटमेंट को कैसे प्रिपेयर किया जाए देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि सोर्स ऑफ फंड हमारा लाइविलिटी होता है तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि डिक्रीज इन एसेट भी बोल सकते हैं राइट right? और यूज ऑफ फंड में हमारा क्या होता है इंक्रीज इन एसेट होता है या डिक्रीज इन लाइबिलिटी है यूज ऑफ फंड हमारा क्या होता है एसेट्स चलिए तो अब देखिए बैंकर के लिए क्या फॉर्मेट है तो लॉन्ग टर्म सोर्स हो तो लॉन्ग टर्म सोर्स में मान लीजिए कि इक्विटी बढ़ रहा है रिजर्व बढ़ रहा है लॉन्ग टर्म बोरोइंग बढ़ रहा है या नॉन करंट एसेट बढ़ रहा है घट रहा है समझे तो ये सब हमारा कहलाएगा का लॉन्ग टर्म सोर्स दूसरा होता है शॉर्ट टर्म सोर्स तो जैसे मान लीजिए कि शॉर्ट टर्म बोरोइंग बढ़ रहा है करंट एसिड घट रहा है तो ये सब कहलाएगा का हमारा शॉर्ट टर्म सोर्स समझिए एक तो सोर्स लिखा हुआ है तो सोर्स जैसे आपको देखिए समझ आई कि लाइबिलिटीज की बात हो रही है इक्विटी रिजर्व लॉन्ग टर्म ये सभी सभी के सभी क्या ही तो है। और शॉर्ट टर्म सोर्स की बात हो रही है तो आप मान लीजिए शॉर्ट टर्म टर्म दिए अब बात करें ये करंट लॉन्ग यूज की जब भी आएगा अगर एसेट की बात हो रही है तो लॉन्ग टर्म यूज है तो इक्विटी घट गया रिजर्व घट गया लॉन्ग टर्म बॉडोइंग घट गया जैसे सवाल पूछा जाएगा इनमें से कौन सा लॉन्ग टर्म सोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है कौन सा लॉन्ग टर्म यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है इस प्रकार का सवाल आ सकता है ठीक है आप कुछ क्वेश्चन कर लिया जाए क्वेश्चन है पहला आपके सामने स्क्रीन पर इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फंड फ्लो स्टेटमेंट के बारे में सही है इट इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैंडेटरी गलत मैंडेटरी uh, हाँ ये है इट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द लिक्विडिटी पोजिशन गलत इट यूज द कैश ऑफ अकाउंटिंग गलत यह एक्लोल सिस्टम को यूज करता है और डी कह रहा है कि इट डिटरमाइन द चेंज इन वर्किंग कैपिटल ये ये सही है तो ये पहला भी गलत है मैंडेटरी नहीं होता है यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया था इट इज नॉट अ मैंडेटरी पार्ट हमारा कैश फ्लो मैनेट्री होता है फंड फ्लो मैनेट्री नहीं होता है दोस्तों आपको मैं बता दूं कि ये जो हमारा वाड टू स्टडी पीडीएफ है ये हमारा कैप्सूल कोर्स का पार्ट है कैप्सूल कोर्स के अंदर आपको वन लाइनर पी डी एफ एम सी क्यूज पी डी एफ इंपॉर्टेंट कैप्सूल पी डी एफ और ये वाड टू स्टडी और फार्मूलाफ पी डी एफ सब कुछ मिलता है इसके साथ क्विजेस भी मिलते हैं लास्ट लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन के लिए बहुत इफेक्टिव कोर्स है हमारा कैप्सूल कोर्स जिसको मात्र आप सिक्सटी रुपीज़ में अवेल कर सकते हैं विशेष जानकारी के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस पार्टिकुलर नंबर पर हाउ टू अवेल दिस पार्टिकुलर कैप्सूल कोर्स चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर टू पे आते हैं जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इंडिकेट एडिशनल यूज ऑफ फंड इन द फंड फ्लो स्टेटमेंट एडिशनल यूज ऑफ फंड को क्या रिफर्न करेगा देखिए सबसे पहले यूज ऑफ फंड को समझिए यूज ऑफ फंड का मतलब ये होता है कि आपका यूज ऑफ फंड का मीनिंग क्या होता है हमारा एसेट ठीक है तो एसेट जब बढ़ेगा तभी एडिशनल यूज ऑफ फंड माना जाएगा तो या तो लाइबिलिटी घटेगा ये कह सकते हैं ये नहीं होगा ये नहीं होगा ये नहीं होगा ठीक है यार लिक्रिजन इक्विटी को भी कहा जा सकता है ऑप्शन डी भी सही है ठीक है अब पेज नंबर थ्री ट्वेंटी सेवन में आ जाइए और मैं आपको ले चलता हूँ सब्सिडरी बुक और पर्सनल लेजर की दुनिया में बहुत इंपॉर्टेंट है इसके रिलेटेड पॉइंट को समझिए सबसे पहले ये सब्सिडरी बुक होता क्या है तो देखिए हमारा जो जनरल लेजर होता है उसमें जो कंट्रोल अकाउंट होता है उसको सपोर्ट करने के लिए सब्सिडी लेजर बनाया जाता है डिटेल ट्रैकिंग के लिए मैं फिर से रिपीट कर दूं एक होता है हमारा जनरल लेजर क्या होता है हमारा जनरल लेजर तो ये जो तो जनरल लेजर है इसमें जो हमारा कंट्रोल अकाउंट होता है इसको सपोर्ट करने के लिए हम लोग सब्सिडी लेजर को बनाते हैं तो यहाँ पे सेपरेट लेजर होता है अलग अलग डिपॉजिट अकाउंट का जैसे सेविंग का करंट का रेकरिंग डिपॉजिट का सभी का अलग अलग सेपरेट लेजर होता है पता होना चाहिए आपको क्योंकि डिपॉजिट अकाउंट बहुत बहुत तरह के होते हैं कुछ हमारे सेविंग अकाउंट होते हैं कुछ करंट अकाउंट होते हैं कुछ रेकरिंग डिपॉजिट होते हैं सभी के लिए सेपरेट लेजर बनाया जाता है ठीक है ये हम कस्टमर अकाउंट की बात कर रहे हैं अब जो हमारा लोन और लोन रिलेटेड अकाउंट है वो जैसे कैश क्रेडिट हो गया टर्म लोन हो गया डिमांड लोन हो गया बिल परचेज डिस्काउंटेड एलसी इसके लिए भी अलग अलग लेजर बनाया जाता है जो आवर ड्राफ्ट अकाउंट है वो या तो करंट अकाउंट लेजर में रहेगा या सेपरेट लेजर बनाया जाएगा ब्रांच के प्रैक्टिस पर निर्भर करता है मान लीजिए कि टर्म डिपॉजिट है तो टर्म डिपोजिट के लिए क्या बनाया जाता है रजिस्टर बनाया जाता है क्या बनाया जाता है टर्म डिपोजिट के लिए रजिस्टर बनाया जाता है इसके अंदर कॉल डिपोजिट आएगा या सर्टिफिकेट ऑफ डिपोजिट आएगा और बिना कोई सेपरेट फोलियो फॉर इस कस्टमर रजिस्टर को हम लोग डिपोजिट पीरियड और इंटरेस्ट रेट से डिवाइड करते हैं पोस्टिंग हम डायरेक्टली वाउचर से कर सकते हैं और वाउचर समरी सीट में समराइज कर सकते हैं एक होता है हमारा बिल रजिस्टर बिल रजिस्टर क्या होता है तो अलग अलग बिल के लिए हमारे पास अलग अलग रजिस्टर होता है जैसे बिल परचेज बिल इन फॉर कलेक्शन बिल आउट फॉर कलेक्शन सभी के लिए हमारे पास अलग अलग रजिस्टर बना होता है और करते हैं क्या है हम लोग कि डेली सीरियल इंट्री करते हैं इस बिल रजिस्टर में इस पार्टी वाइज डिटेल रहता है परचेज़ का डिस्काउंटेड बिल का ताकि हम सैक्संग लिमिट को मॉनिटर कर सकें और एक और पॉइंट को समझिए जो भी हमारा इंट्रीज होता है ना वो ऑरिजिनल डॉक्यूमेंट के बेसिस पे होता है ऑल आवर इंट्रीज़ आर डन ऑन द बेसिस ऑफ द ऑरिजिनल डॉक्यूमेंट विद डेली ट्रांजेक्शन भाउचर इंटर इन डे बुक जो हमारा रियलाइज या रिटर्न बिल है उसे हम लोग रजिस्टर में मार्क ऑफ कर देंगे और डेली समराइज़ करेंगे जो कॉन्ट्रा भाउचर है उसे कलेक्शन बिल के लिए प्रिपेयर किया जाएगा और उसको रियलाइजेशन भी रिवर्स कर दिया जाएगा जो आउस्टैंडिंग इंट्रीज है उसको पीरियडिकली समराइज किया जाएगा और बैलेंस किया जाएगा कंट्रोल अकाउंट से हमारे जनरल लेजर में यह सब पॉइंट को आपको ध्यान रखना है कि रियलाइज रिटर्न बिल का क्या करेंगे कॉन्ट्रा वाउचर का क्या करेंगे आउटस्टैंडिंग एंट्री को क्या करेंगे ये सभी हमारे इंपॉर्टेंट रजिस्टर्स हैं यदि हम दूसरे रजिस्टर्स और रिकॉर्ड्स की बात करें तो एक याद रखिए आप ड्राफ्ट्स uh, तो जो ड्राफ्ट का जो रजिस्टर्ड है जो हमने ड्राफ्ट इशू किया जो ड्राफ्ट हमने पे किया वो उसको हम लोग सेपरेट करते हैं ब्रांच और वॉल्यूम ऑफ बिजनेस से ट्रांजैक्शन हमारा रेमिटेंस बैंकर चेक पे ऑर्डर ट्रेवलर्स चेक गिफ्ट चेक लेटर ऑफ क्रेडिट लेटर ऑफ गारंटी इन सभी का रजिस्टर्ड होता है जो ऑरिजिनल डॉक्यूमेंट होते हैं उसे एंट्री को समराइज किया जाता है डेली फाउचर में और उसको डे बुक में पोस्ट किया जाता है सो प्लीज़ रिमेंबर दिस पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू अब एक होता है हमारा इंटर ऑफिस ट्रांजेक्शन राइट right. तो मान लीजिए कि देखिए ब्रांचेज के बीच में जो ट्रांजेक्शन होता है उसको हम लोग इंटर ऑफिस अकाउंट के माध्यम से सेटल करते हैं जैसे बिल चेक पेमेंट रियलाइजेशन कैश मूवमेंट फंड ट्रांसफर फॉर गवर्नमेंट रिलेटेड बिजनेस कुछ सवाल कर लिया जाए पहला सवाल है व्हाट इज द प ऑफ सब्सिडरी लेजर इन रिलेशन टू द कंट्रोल अकाउंट तो कंट्रोल अकाउंट के रिलेशन में कंट्रोल uh, अकाउंट जो हमारा जनरल लेजर में होता है उससे रिलेशन में सब्सिडी लेजर का क्या पर्पज है टू समराइज तो सम्राइजी ट्रांजेक्शन टू प्रोवाइड डेली ट्रैकिंग ऑफ इंडिविजुअल कस्टमर अकाउंट ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है तो यदि हमें डिटेल ट्रैकिंग प्रोवाइड करना है इंडिविजुअल कस्टमर अकाउंट का तो यह हमारा मेन पर्पज है सब्सिडी लेजर का अगला सवाल है कि बिल रजिस्टर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है बताइए पहला कह रहा है कि इसे मेंटेन किया जाता है बिल परचेज और बिल डिस्काउंटेड के लिए गलत वनली लिखा है गलत है दे कंटेंट डिटेल सीरियल एंट्री एंड मार्क ऑफ एंड बिल रियलाइज रिटर्न ये भी सही है देर नॉट रिक्वायर्ड एनी वाउचर गलत है दे आर नॉट यूज्ड टू मॉनिटर मोनिटर लिमिट फॉर पार्टी यह भी गलत है ऑप्शन बी हमारा सही है Right. अब देखिए पेज नंबर थ्री फिफ्टी वन में आ जाइए और मैं आपको ले चलता हूँ नॉन बैंकिंग एसेट की दुनिया में यह से भी सवाल बार बार पूछा जाता है देखिए दोस्तों बैंक जो है ना कुछ एसेट को एक्वायर नहीं कर सकते डायरेक्टली लेकिन उसके अगेंस्ट वो लैंडिंग कर सकते हैं और यदि मान लीजिए कि बोरोवर जो है डिफॉल्ट करता है तो बैंक जो है ऐसे एसेट का पॉइजन भी ले सकते हैं तो जो हमारा प्रॉफिट होगा या लॉस होगा एसे ऐसे एसेट को डिस्पोज करने पर उसको हम लोग सेपरेटली डिस्कलोज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मैंने क्या बताया कुछ ऐसे एसेट होते हैं जिसको बैंक डायरेक्टली एक्वायर नहीं कर सकते हैं लेकिन वो उस पर लैंड कर सकते हैं मतलब उस पर उसके बेसिस पे लोन दे सकते हैं ये मतलब हुआ राइट उन सभी एसेट के बेसिस पर और बॉरवर के डिफॉल्ट वाले केस में उस उस एसेट को बैंक चाहे तो पोजीशन ले सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर आप गोल्ड और सिल्वर की बात करें गोल्ड जो है हमारा इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में आता है और सिल्वर हमारा अदर एसेट में आता है पिछली बार ये सवाल पूछा गया था कि गोल्ड और सिल्वर किस कैटेगरी में आता है तो गोल्ड का मैंने क्या बताया गोल्ड इज अ टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट और सिल्वर क्या होता है हमारा अदर एसेट में आता है जैसे मान लीजिए कि लॉकर या सेफ डिपॉजिट वॉल्ट है इसको एसेट माना जाता है इसको हम लोग फर्नीचर के अंदर इंक्लूड करते हैं फिर एक होता है हमारा ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट इसको समझिए ये क्या होता है कि देखिए हेड ऑफिस और ब्रांचेज और यह दो अलग अलग ब्रांचेज के बीच में जो ट्रांजेक्शन होता है उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग इस ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट का यूज़ करते हैं मान लीजिए कि हेड ऑफिस है और और हमारा ब्रांचेज है इनके बीच में मान लीजिए कोई कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है या एक ब्रांच है और दूसरा ब्रांच है इनके बीच में कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है इसको यदि हमें रिकॉर्ड करना है तो हम लोग ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट का यूज करते हैं तो यदि ट्रांजेक्शन मान लीजिए इनकम्प्लीट है या अनएडवाइज है तो बैलेंस आपका रिमेन रह जाएगा सवाल है वेयर शुड प्रॉफिट और लॉस ऑन द डिस्पोजल ऑफ नॉन बैंकिंग एसेट भी डिस्कलोज मान लीजिए कि हमारा कुछ नॉन बैंकिंग एसेट है उस पर जो प्रॉफिट है या लॉस है उसको कहाँ डिस्क्लोज करेंगे अंदर इन्वेस्टमेंट अंडर अर एसेट सेपरेटली इन प्रॉफिट लॉस अकाउंट यस ऑप्शन सी सही जवाब है आपका जो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में सेपरेटली उसको डिस्क्लोज किया जाएगा अंडर विच कटेगरीज सिल्वर भी लिस्टेड ऑन द बैंक बैलेंस शीट इसको हम लोग अदर एसेट के अंदर लिस्ट करते हैं ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट को कहाँ यूज करते हैं तो हमारा हेड ऑफिस के और ब्रांच के बीच में ट्रांजेक्शन या दो ब्रांचेज के बीच में ट्रांजेक्शन यहाँ पे यूज करते हैं पेज नंबर थ्री फिफ्टी फोर में आ जाइए और मैं आपको थोड़ा सा एसेट क्लासिफिकेशन पे आपको नोट्स प्रोवाइड कर देता हूँ देखिए एक होता है परफॉर्मिंग एसेट मतलब ऐसा एडवांस जो कि हमें कंटिन्यूस इनकम जनरेट कर रहा हो उसको बोलते हैं हम लोग परफॉर्मिंग एसेट एक होता है हमारा नॉन परफॉर्मिंग एसेट तो जो एसेट हमारा नब्बे दिन से आउट ऑफ ऑर्डर हो अब मान लीजिए टर्म लोन है उस केस में क्या मतलब होता है एनपीए का टर्म लोन में एनपीए का मतलब ये होता है कि यदि हमारा इंटरेस्ट या इंस्टॉलमेंट जो है नब्बे दिन से ज़्यादा के लिए ऑफर ड्यू है उसको बोलते हैं हम लोग टर्म लोन टर्म लोन सॉरी इस केस में हमारा लो टर्म लोन क्या होता है आ, एन पी ए कैटगरी में जाता है मान लीजिए हमारा सी सी है या ओ डी है तो वो वो एन पी ए कब कर लाएगा? जब आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो है जब आउटस्टैंडिंग अमाउंट हमारे सैमसंग लिमिट से ज़्यादा हो या ड्रॉइंग पावर से ज़्यादा हो फॉर मोर देन नाइन्टी डेज मतलब जितना आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो ड्राइंग पावर से ज़्यादा हो गया है मतलब जितना जितना पावर था ड्रॉ करने का उससे ज़्यादा आउटस्टैंडिंग हो गया है राइट और नब्बे दिन तक ऐसा हो तो हमारा कैश क्रेडिटि ओवर ड्राफ्ट अकाउंट को हम लोग एन पी ए मानते हैं ठीक है तो ये टर्म लोन आपका जैसे हाउसिंग लोन व टर्म लोन है तो यदि आपका इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट नब्बे दिन से ज़्यादा ऑवर ड्यू है तो एनपीए का लाएगा फिर मान लीजिए बिल परचेज या बिल डिस्काउंटेड है इसको एनपीए तब मानेंगे यदि यह हम ये ऑवर ड्यू हो चुका है और नब्बे दिन तक हमने अनपे किया है और हमारा अदर केस में एनपीए तब होगा यदि कोई क्रेडिट है या क्रेडिट जो है डेबिट से लेस है ऑन अकाउंट ऑफ नब्बे दिन से समझ पा जाता है तो ये सब हमारा एसेट क्लासिफिकेशन हो गया दूसरा पॉइंट आता है हमारा इनकम रिकॉग्निशन तो परफॉर्मिंग एसेट का जो इनकम है उसको हम लोग एक्चुअल बेसिस पे रिकॉग्नाइज करेंगे एक्चुअल बेसिस आप समझते होते हैं समझते हैं ठीक है तो एक्चुअल बेसिस का मतलब क्या होता है कि ज, ज, हम लोग जैसे ही हमें पहले ही हम रिकॉग्नाइज मतलब मिला ना मिला वो अलग बात है जैसे हमने जैसे बैंक ने लोन दिया ठीक है तो बैंक उसको उसका जो इनकम है मतलब उस बैंक जो बैंक ने जो लोन दिया तो उसके वनस्पत जो बैंक को इंटरेस्ट मिलेगा जो प्रिंसिपल अमाउंट मिलेगा तो बैंक उसी वक्त रिकॉग्नाइज कर लेती है कि ये उसका इनकम है इसी को कहा जाता है एक्ूअल बेसिस तो परफॉर्मिंग एसेट के लिए आप उसको एक्रोअल बेसिस पे इनकम को रिकोग्नाइज कर सकते हैं लेकिन नॉन परफॉर्मिंग एसेट के लिए आपको इनकम को रिकोगनाइज करना है कैश बेसिस पे यह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है पूछा जाता है बार बार ठीक है चलिए तो मान लीजिए कि एन पे जो इंटरेस्ट है वो रिकोगनाइज यहाँ एक बात समझिए कि एन पे जो इंटरेस्ट है उसको हम लोग यदि एक्ल बेसिस पे रिकोगनाइज करेंगे तो आपको प्रोविजनिंग से एडजस्ट करना पड़ेगा जो इनकम रिकॉर्ड किया गया बट नॉट रिसीव्ड तो मान लीजिए कुछ ऐसे इनकम होंगे जिसको आपने रिकॉर्ड तो कर लिया लेकिन आपने रिसीव नहीं किया तो वहाँ पर आपको प्रोविजनिंग करना पड़ेगा या तो आपके पास दो ऑप्शन है या तो एन में जा रहा है ठीक है तो आप उसे कैश बेसिस पे रिकॉग्नाइज कीजिए नहीं तो यदि आप जो आप पे एनपीए पे जो इंटरेस्ट है उसको आप एकूवल बेसिस पे रिकॉग्नाइज कर रहे हैं तो आपको उस केस में क्या करना पड़ेगा कि आपको प्रोविजनिंग करना पड़ेगा अब देखिए जैसे स्टैंडर्ड एसेट है तो परफॉर्मिंग एसेट होता है इसमें नॉर्मल रिस्क होता है वहाँ पर प्रोविजनिंग हमें पॉइंट से लेकर एक करना होता है डिपेंड करता है कि एडवांस का टाइप क्या है यदि हमारा सब स्टैंडर्ड एसेट है मतलब वैसा एसेट जो कि एनपीए हो चुका है बारह महीना तक तो वहाँ पर हमें पंद्रह जनरल प्रोविजनिंग करना पड़ता है टोटल आउटनिंग का टोटल आउटशियनिंग का हमें पंद्रह परसेंट प्रोविजनिंग करना पड़ता है डॉटफुल एसेट की बात करें तो डाउटफुल एसेट का मतलब कि एक ऐसा एसेट जो कि सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में है बारह महीना के लिए आ, 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 और मोर देन बारह इसमें डी वन डी टू डी थ्री तीन तरह का आता है आपको पता होना चाहिए तो देखिए यदि हमारा अनसेड पोर्शन के लिए पूरा का पूरा का प्रोविजनिंग करना है और सिक्योर्ड पोर्सन के लिए आपको पच्चीस परसेंट करना है अपट टू वन ईयर चालीस परसेंट करना है एक से तीन साल और सौ परसेंट करना है तीन साल से ज्यादा ठीक है इसी को डी दे वन डी टू डी थ्री और उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट पार्ट है हमारा लॉस एसेट तो यहाँ पे पूरा का पूरा प्रोविजनिंग है इन्वेस्टमेंट क्लासिफिकेशन की बात करें तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी अप्रूड सिक्योरिटी शेयर ये सब इन्वेस्टमेंट कैटेगरी है सवाल है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एनपीए फॉर टर्म लोन एनपीए फॉर टर्म लोन का मतलब क्या होता है कि जब हमारा इंटरेस्ट ऑवर ड्यू हो जाए अच्छा ना गलत है द इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट ऑवर डी फॉर मोर देन यस ये सही है मैंने आपको बताया था कि हमारा इंटरेस्ट या इंस्टॉलमेंट जो है यदि नब्बे दिन से ज़्यादा ऑवर ड्यू है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं टर्म लोन बोलते हैं सवाल है कि कैसे इंटरेस्ट इनकम को इंटरेस्ट इनकम को रिकॉग्नाइज किया जाता है एन पे तो एन पे रिकॉग्नाइज किया जाएगा हमारा कैश बेसिस पे ठीक है प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट क्या होता है डॉटफोल एसेट का जिसमें सिक्योर्ड पोर्सन एक से तीन साल का हो देखिए अप टू वन ईयर हो तो आपका आता है पच्चीस फिर चालीस चालीस होगा ठीक है इनमें से कौन सा बैंक इंटरेस्ट कटेगरी क्लासिफिकेशन नहीं आता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी अप्रूव सिक्योरिटी से रियल एस्टेट रियल एस्टेट नहीं आएगा व्हाट इज़ द प्रोविन जो है लॉस एट दंड्रेड परसेंट प्रोविडन रिक्वायरमेंट होता है पेज नंबर थ्री सेवनटी टू आ जाइए और इसमें आप जो है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के बारे में पढ़ के जाइए देखिए बताया जा रहा है कि एक जनरल पर्पज मशीन जो कि हमारे रॉ फैक्ट को रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है इसको हम लोग कंप्यूटर बोलते हैं कंप्यूटर का हार्डवेयर फिजिकल कम्पोनेंट होता है और सॉफ्टवेयर हमारा इंस्ट्रक्शन होता है यहाँ पर इनपुट रिसीव करेगा इंस्ट्रक्शन को स्टोर करेगा या प्रोग्राम इसको बोलते हैं और व्या करेगा आउटपुट प्रोड्यूस करेगा स्पीड और एक्योरेसी के साथ अब कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर की बात करें देखो होता है हार्डवेयर जो हमारा फिजिकल पार्ट होता है जैसे प्रिंटर हो गया मॉनिटर हो गया उसके बाद हमारा कीबोर्ड हो गया सॉफ्टवेयर की बात करें तो वैसा इंस्ट्रक्शन जो कि कंप्यूटर ऑपरेशन को डायरेक्ट करेगा और प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा और यदि हम बात करें कैपेबिलिटीज की तो यह बहुत सारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकता है सवाल है कि व्हाट आर द फिजिकल फिजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर नोन नोनेस तो फिजिकल कंपोनेंट को हम लोग क्या बोलते हैं तो फिजिकल कंपोनेंट को हम लोग हार्डवेयर बोलते हैं बताना चाहिए आपको अगला सवाल है कि कौन सा टर्म को यूज़ करते हैं कि इंस्ट्रक्शन दैट टेल कंप्यूटर वाट टू तो डू तो हम लोग इसके सॉफ्टवेयर बोलते हैं अब आप थोड़ा सा एक और टाइप पे आ जाइए एक होता है हमारा एल एल पी एल एल पी क्या होता है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इसको एल एल पी या टू थाउजेंड ए के अंदर एस्टेब्लिश किया गया इसका ये जो पार्टनरशिप और एल एल पी का फीचर कंबाइन करता है पार्टनर इंजॉय लिमिटेड लाइबिलिटी अनलाइक ट्रेडिशनल पार्टनरशिप यहाँ पर लिमिटेड लाइविलिटी होता है और, और फिर उसके बाद दोस्तों तो हमारे जो इसको रजिस्टर्ड किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के पास ये पूछा गया था पिछले बार इनमें से किसे मिनिस्ट्री यानी ये, ये सवाल ऐसा पूछा गया था कि हमारा एल को कहाँ रजिस्टर करना पड़ता है तो आप याद रखिएगा एल को यदि हमें रजिस्टर करना है तो तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के पास हम लोग इसको रजिस्टर करेंगे तो ये सब पॉइंट आपको ध्यान रखना है यदि हम बात करें एच के एच यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या ये नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं तो दोस्तों इसको हिंदू लॉ के द्वारा गवर्न किया जाता है और ये केवल भारत में ही एग्जिस्ट होता है ये हिंदू एच यू दूसरी बात यह है इसको को पार्सनर के द्वारा खरीदा जाता है को पार्सनर कौन होते हैं फैमिली के मेंबर्स होते हैं दे आर द मेंबर ऑफ द फैमिली उसके बाद जो सीनियर मोस्ट में, मेल मेंबर होते हैं कर्ता होते हैं उनके द्वारा मैनेज किया जाता है इसको एक सेपरेट इंट्री की तरह ट्रीट करना है इनकम टैक्स पर्पज के लिए और अकॉर्डिंगली इसको टैक्स किया जाता है एक होता है हमारा एओपी एओपी क्या होता है हमारा एसोसिएशन ऑफ पर्सन ठीक है दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि ये जो हमारा कन, कं, कंटेंट है वाट टू तो स्टडी पी ये हमारा कैप्सूल कोर्स का पार्ट है कैप्सूल कोर्स आप मात्र सिक्सटी रुपीज़ में एक्सेस कर सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है कैप्सूल कोर्स हमारे लास्ट टाइम रिविजन के लिए तो ए की यदि हम बात करें तो ए कौन होते हैं ए बेसिकली ग्रुप ऑफ पर्सन होते हैं तो जो कि फॉर्म किया जाता है कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए इसमें मेंबर जो है नेचुरल भी हो सकते हैं आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकते हैं इसको भी सेपरेट इन माना जाता है इनकम टैक्स इनकम टैक्स कैलकुलेशन के लिए ठीक है ये पॉइंट को ध्यान रखेंगे आप एक होते हैं हैं हमारे बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स को बोलते मतलब क्या होता है कि हमारा नेचुरल पर्सन का ग्रुप है जिसको इनकॉर्पोरेट करें या ना करें वो एक साथ आते हैं ताकि इनकम अर्न करें पहला सवाल है कौन सा रजिस्ट्रेशन गवर्न करता है एल एल पी के फॉर्मेशन को तो एल एल पी एक्ट टू थाउजेंट एट ये हमारा रजिस्ट्रेशन है जो कि गवर्न करता है एल एल पी को अगला सवाल है कि क्या डिस्टिंग्विश करता है एच यू एफ को पार्टनरशिप फॉर्म से तो पहला कर द है एच यू एफ जो है रजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड रजिस्टर्फ रजिस्टर्ड होता है इट हैज लिमिटेड लाइविलिटी फॉर इट मेंबर इट कम इन टू एग्जिस्टेंस थ्रू बर्थ इन टू फैमिली इट है पर्सन एज मेंबर नहीं आर्टिफिशियल पर्सन नहीं नेचुरल पर्सन होते हैं ऑप्शन सी सही जवाब है कौन सा कौन मैनेज करता है एच यू एफ के बिजनेस बिजनेस अफेयर को बताइए तो ऑल को पार्टनर ज्वाइंटली करता 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 है राइट मैंने बताया था आपको कि यदि एच यू एफ का बिजनेस अफेयर है उसको मैनेज करने के लिए किसे अपॉइंट किया जाता है कर्ता को अपॉइंट किया जाता है ऑप्शन तो नंबर सी सही जवाब है अब मैं आपको ले चलता हूँ पेज नंबर थ्री नाइनटी नाइन में और मैं आपको वहां पे समझाता हूँ कि हमारा जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है उसमें एजेंसी का प्रॉब्लम क्या होता है तो इसमें कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है किसके किसके बीच में यह सवाल पिछले बार पूछा गया था ऑफ इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल के बीच में जिसको ऑनर बोलते हैं और एजेंट के बीच में जिसको मैनेजर बोलते हैं तो यही होता है हमारा कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और इसी को बोलते हैं एजेंसी प्रॉब्लम इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी हमारा जो प्रिंसिपल है यानी ऑनर है और जो एजेंट है उनके बीच में कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है इसका कारण क्या होता है कि जब ऑनरशिप का सेपरेशन हो या मैनेजमेंट का सेपरेशन

मतलब ऑफ इंटरेस्ट होना सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप या सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट इस बिजनेस इसका बेस्ट इसका कारण है और डिसीजन हम ले जो कि हमारे खुद को बेनिफिट के लिए डिसीजन लें इसी को कहा जाता है कन्फ्लिक्ट एजेंसी एजेंसी प्रॉब्लम आप इसको मिटिगेट कैसे करें तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना एजेंट पे रिस्ट्रिक्शन बढ़ाना परफॉर्मेंस बेस्ड कॉम्पेंसेशन देना कॉन्ट्रैक्ट देना ये सभी हमारे मिटिगेशन स्ट्रेटजीज हैं अभी देखिए इसमें थ्योरीज हैं है ऑफ इंटरेस्ट का थ्योरी है इसको हम लोग बोलते हैं एजेंसी थ्योरी एजेंसी थ्योरी का फोकस होता है प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में जो कन्फ्लिक होता है उस पर शेयर होल्डर थ्योरी कहता है कि जो कन्फ्लिक्ट होता है बहुत सारे शेयर होल्डर के बीच में जैसे एम्प्लॉ इन्वेस्टर और कम्युनिटी के बीच में उसको शेयर होल्डर थ्योरी बोलते हैं देखिए दो तरह का थ्योरी है एक हमारा एजेंसी थ्योरी है इसका फोकस होता है कि हमारे जो प्रिंसिपल है और जो एजेंट है इनके बीच में जो इनके इनके बीच जो कन्फ्लिक्ट हो रहा है उसको उस पर फोकस होता है एजेंसी थ्योरी का और शेयर थ्योरी का जैसा कि नाम में ही लिखा हुआ है कि हमारे जो शेयर होल्डर हैं उनके बीच में जो कन्फ्लिक्ट होता है उस पर फोकस होता है हमारा शेयर होल्डर थ्योरी का तो ऑब्जेक्टिव ये है इस चैप्टर का कि हम क्लासेस को समझें बिजनेस इंटरेस्ट में और स्टेक होल्डर के नीड को बैलेंस करें पहला सवाल व्हाट बेस डिस्क्राइब द एजेंसी प्रॉब्लम इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पहला कह रहा है शेयर होल्डर एंड बॉन्ड होल्डर कन्फ्लिक्ट एजेंट एंड मैनेजर कन्फ्लिक्ट राइजिंग फ्रॉम बिजनेस डिसीजन कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इंट्रेसिटेंस स्टेक होल्डर ऑप्शन नंबर बी सही है हमारे जो मैनेजर और एजेंट होते हैं इनके बीच में जो कन्फ्लिक्ट होता है इसी को हम लोग बोलते हैं एजेंसी प्रॉब्लम सवाल है कौन सा मिटिगेशन स्ट्रेटजी हेल्प करता है एजेंसी प्रॉब्लम को help, ये एड्रेस करने में मैनेजरियर इकोनॉमी बढ़ाना ट्रांसपेरेंसी घटाना बिल्कुल गलत नॉन परफॉर्मेंस बेस्ड कॉम्पेंसेशन को प्रोवाइड करना और ऑप्शन डी कर रहा है कि कॉम्पेंसेशन को कंपनी यस करेक्ट ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यदि आपको जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है आपको जो एजेंसी का प्रॉब्लम है उसको यदि आपको मिटिगेट करना है तो आपको करना ये होगा कि आप कॉम्पेंसेशन को कंपनी के परफॉर्मेंस से लिंक कर दीजिए अगला सवाल एजेंसी थ्योरी के अनुसार मेन फोकस कहां पर होता है ऑप्शन ए कर रहा है बैलेंसिंग स्टेक होल्डर इंटरेस्ट गलत मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर वेल्थ गलत रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट इन इंक्वायर मैनेजमेंट बिल्कुल सही ऑप्शन सी सॉरी सॉम माइजिंग शेयर होल्डर वेल्थ एक्चुअली ऑप्शन सी यहां पे ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा कि हमारा एजेंसी थोड़ी यही कहता है चलिए अगला सवाल है स्टेक होल्डर थ्योरी क्या एम्बिसाइज करता है कि जो हमारा इंटरेस्ट है अलग अलग ग्रुप का जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन्वॉल्व है इसको एड्रेस करना कौन सा सिनेरियो बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है एजेंसी प्रॉब्लम इंप्लाई डिमांडिंग हायर वेजेस शेयर होल्डर रिसीविंग डिविडेंड मैनेजर प्रायरटाइजिंग पर्सनल बेनिफिट अवर सेल यस से ये सही है देखिए जब मैनेजर प्रायोटाइज करेगा ना अपना खुद का बेनिफिट ऑवर शेयर होल्डर इंटरेस्ट ये ये सिग्निफाई करता है हमारा एजेंसी प्रॉब्लम ठीक है तो एजेंसी प्रॉब्लम को समझिए एग्जाम्पल के तौर तो पर एग्जाम्पल के फॉर्म में सवाल पूछा जाता है इनमें से कौन सा एजेंसी प्रॉब्लम को सिग्निफाई करता है तो बस बेसिक चीज़ याद रखिए जब भी हमारा मैनेजर और स्टेक होल्डर के बीच शेयर होल्डर के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट आ जाए ठीक है या तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाए तो ऐसे के इसको हम लोग uh, एजेंसी प्रॉब्लम बोलते हैं पेज नंबर फोर जीरो वन में आ जाइए और आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पढ़ के जाइए नारायण मूर्ति ने कैसे डिफाइन किया है वो जरा देखिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को तो मैक्सिमम शेयर होल्डर वैल्यू क्रिएट करना

भी करना है कि हमारी सोसाइटी को भी बेनिफिट हो कि वैसे पॉलिसी को एडॉप्ट करके जो कि हमारी कम्युनिटी और स्टेक होल्डर को सपोर्ट करता एक है कि हमारे बिजनेस मॉडल के सस्टेनेबिलिटी को इंप्रूव करता है उसके अलावा दोस्तों इसका एक, एक और काम है कि जो हमारा मार्केटिंग एफर्ट है उसको इन्हांस करनाशन बढ़ाना और ब्रांड परसेप्शन को बढ़ाना को डिमॉन्स्ट्रेट एथिकल प्रैक्टिस के कमिटमेंट को और सोसाइटल वेलफेयर के कमिटमेंट को यह सब को ध्यान रखना है आपको कि सीएसआर के कैटेगरी की बात करें तो पहला होता है हमारा इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरा होता है फिलेंथ्रॉपिक रिस्पॉन्सिबिलिटी और तीसरा होता है हमारा एथिकल रिस्पॉसिबिलिटी और इकोनॉमिक रिस्पांसिबिलिटी ये सभी कैटेगरीज हैं देखिए है का मतलब क्या हुआ कि हम कुछ एक्शन ऐसा लें कि हमारा इन्वायरमेंटल इंपैक्ट कम हो कलैंट्रॉफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या हुआ जैसा कि नाम में लिखा हुआ है कुछ चैरिटेबल कॉन्ट्रीब्यून हो जाए एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कि हम एथिकल स्टैंडर्ड को अढ़ेर करेंगे फेयर प्रैक्टिसज को अधेर करेंगे और लास्ट कर रहा है हमारा इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि हम प्रॉफिट को एथिकली और सस्टेनेबिलिटी हम जनरेट करेंगे अब यदि हम सी एक्टिविटी के एग्जाम्पल की बात करें मान लीजिए कि हेल्थ केयर कैंप ऑर्गेनाइज किया जा रहा है मेडिकल चेकअप ऑर्गेनाइज किया जा रहा है फिर मान लीजिए कि हम चाइल्ड लेबर लॉ के लिए एडवोकेट कर रहे हैं और इंप्लीमेंट करवा रहे हैं ठीक है ये सभी हमारे सोशल रिस्पॉसिबिलिटीज में आते हैं राइट right, ये सभी सीएसआर एस आर एक्टिविटीज़ के बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं फिर मान लीजिए कि रिसाइकलिंग प्रोग्राम इनिशिएट किया जा रहा है प्लास्टिक वेस्ट के लिए फूड बैंक स्टेब्लिश किया जा रहा है शैल्टर प्रोवाइड किया जा रहा है ठीक है लीगल एस्पेक्ट की बात करें तो कंपनी जै टी थर्टीन मैंडेट करता है कि कंपनी जो है कम से कम दो परसेंट अपने एवरेज नेट प्रॉफिट का पिछले तीन साल का सी एस एक्टिविटी में ये पूछा जाएगा देखिए कोई भी कंपनी है उसके पिछले तीन साल का जो एवरेज नेट प्रॉफिट है उसका दो कम से कम सीएसआर एक्टिविटीज़ में डाले और कंपनी को डिस्क्लोज करना पड़ता है अपने सी इनिशिएटिव के डिटेल को अपने एनुअल रिपोर्ट में और सी एक्टिविटी अलाइन करेगा स्पेसिफिक सेक्टर के द्वारा जो कि आउटलाइंड है कंप्लाइंस सवाल वॉट डज नारायण मूर्ति डिफाइन सोशल मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट रिस्पांसिबिलीटी शेयर होल्डर गलत क्रिएटिंग वैल्यू फॉर एस गलत वॉलंट्री इंटीग्रेशन ऑफ कंसर्न इन्वरमेंटल विद लीगल रेगुलेशन तो नारायण मूर्ति साहब ने क्या कहा है बताइए देखिए अभी मैंने बताया था आपको क्रिएटिंग मैक्सिमम शेयर होल्डर वैल्यू वैल बिंग फेयर टुअर्स शेयर होल्डर तो शेयर होल्डर के वैल्यू बनाना ऑप्शन ए सही जवाब है और क्रिएटिंग वैल्यू ऑप्शन बी सही जवाब है सारे के सारे स्टेक होल्डर स्टेक होल्डर के वैल्यू को क्रिएट करना पीछ ऑफ द फॉलोइंग इज नॉ ए कैटगरी ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी इन्वायरमेंटल है फिलंसॉफिक है फाइनेंशियल है नहीं है इथिकल है ठीक है फाइनेंशियल रिस्पॉसिबिलिटी नहीं है चलिए आगे देखते हैं अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट जो है कम से कम दो परसेंट एवरेज नेट प्रॉफिट पिछले तीन साल का हम सी एक्टिविटी पे इन्वेस्ट करें अगला सवाल है कि कौन सा बेनिफिट हमारे सी एस आर को इंप्लीमेंट करने से रिलेटेड है बिजनेस में डिक्रीजिंग इंप्राइज सेटिस्फेक्शन गलत लो ब्रांड परसेप्शन ये भी गलत इंप्रूव कस्टमर लोवैलिटी ये सही है पहला दूसरा सवाल है वट इज लीगल रिक्वायरमेंट फॉर कंपनीज रिगार्डिंग डिस्कलोर ऑन सी एक्टिविटी दे मस्ट पब्लिश सी रिपोर्ट एवरी क्वार्टर देखिए सी रिपोर्ट ना एनुअल रिपोर्ट पब्लिश करना पड़ता है ऑप्शन बी सही जवाब है फोर की बात करें तो हम लोग बात करते हैं अकाउंटिंग

राइट right. तो ये 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 सबसे बड़ा लिमिटेशन है कि हमें कंपैरेटिव स्टडी की रिक्वायरमेंट होती है और क्या क्या लिमिटेशन आइए देखते हैं दूसरा लिमिटेशन है कि आ, आ, ये फ्यूचर फॉरकास्ट बेस्ड ऑन सोलली ऑन पास रेशियो ये अंडर हो सकता है क्या मान लीजिए कि पूरा आगे का आगे का फॉरकास्टिंग कर रहे हैं और फास्ट रेशियो को यूज़ कर रहे हैं तो हो सकता है कि अंडर हो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का लिमिटेशन क्या होता है कि रेशियो को हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट से डिराइव करते हैं जिस जो कि इसका कोई लिमिटेशन नहीं है जिसका खुद खुद का लिमिटेशन है तो हमारा जो नॉन फाइनेंशियल आस्पेक्ट होता है जो कि बिजनेस सेक्टर के लिए बहुत क्रूसियल है जैसे कि मैनेजमेंट चेंजेस नॉन फाइनेंशियल चार्ज इसको रिफ्लेक्ट नहीं किया जाता है हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट में अब देखिए बहुत सारा अकाउंटिंग पॉलिसीज होता है फर्म के बीच में वो डिस्टॉर्ट कर सकता है कंपेरिजन को राइट ये सब पॉइंट को ध्यान रखना है दीज आर द लिमिटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंसिडरेशन फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस्ट तो एनालिस जो है स्क्रुटनाइज करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्लोजली और डिस्क्लोज करेंगे कंसिडरिंग डिस्क्लोज uh, अकाउंटिंग पॉलिसी अब देखिए इसमें सवाल है कि वाइज कम्पेरेटिव स्टडी एसेंशियल फॉर मीनिंगफुल रेशियो एनालिसिस कम्पेरेटिव स्टडी का यूजफुल क्या है कि हम जज कर जज कर सके कि बिजनेस कितना एफिशिएंट है कौन सा फैक्टर फ्यूचर फॉरकास्ट को सोलली uh, बनाया है पास्ट रेशियो के पाट रेश के बेसिस पे अंडर लेवल बनाता है मान लीजिए कि आप फ्यूचर फॉरकास्ट कर रहे हैं पास्ट रेशियो के बेसिस पे तो कौन सा फैक्टर अंडर लेवल बनाता है तो फैक्टर का नाम है हमारा मार्केट कंडीशन कौन सा क्रूशियल आस्पेक्ट है बिजनेस ऑपरेशन का वो टिपिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिवील रे नहीं करती है नॉन फाइनेंशियल चार्ज अकाउंटिंग पॉलिसी एनालिसिस सही जवाब है नॉन फाइनेंशियल चार्ज ऑप्शन नंबर एक सही जवाब है ठीक है पेज नंबर फोर वन जीरो में आ जाइए आई थिंक वी हैव कवर्ड इज नो नीड टू कवर इट मोर अगेन देखिए कुछ हमारा लिमिटेशन बताया गया अकाउंटिंग रेशियो का जिससे रेशियो एडिकुएट नहीं होता है विंडो ड्रेसिंग विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है कि आप फाइनेंशियल आप जो है फाइनेंशियल अकाउंट को मैनिपुलेट करें ताकि बेटर फाइनेंशियल पोजीशन को प्रेजेंट कर सकें एज कम्पेयर टू रियलिटी जैसे मान लीजिए कि आप इन्वेंट्री परचेज को डिले कर दें ताकि करंट रेशियो बढ़ जाए ठीक है रिपोर्टिंग डेट से पहले ऑब्वियस सी बात है यदि इन्वेंट्री परचेज आप करेंगे ही नहीं तो आपका जो करंट रेशियो है जो करंट एसेट अपन करंट लाइविलिटी है तो बढ़ता जाएगा ना क्योंकि एसेट आपके बढ़ता जाएगा ठीक है उसके बाद प्रॉब्लम ऑफ प्राइस लेवल चेंज तो ट्रेडिशनल अकाउंटिंग जो है मिसलीड करेगा यदि हम उसे इन्फ्लेशन के एडजस्ट ना करें फिर हमारा जैसे आ, कोई फिक्स स्टैंडर्ड नहीं है आइडियल रेशियो जो है वो अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए अलग अलग कंपनीज के लिए वैरी करता है पता होगा आपको जैसे करंट रेशियो टू इज टू वन है राइट right. तो ये एडुकेट होता है कंपनी के लिए तो ये सब पॉइंट है तो ये सब हमारा ये अब हम लोग ईपीएस की बात करते हैं ईपीएस के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी कवर कर लिया है पी वाई रेशियो भी हमने कवर कर लिया है फॉर्मूला पी में ग्रॉस प्रॉफिट भी हमने कवर किया है तो इसको हम लोग रिपीट नहीं करेंगे ऑलरेडी हमारा फार्मूला पी में कवर है कुछ रेशियोज यहाँ दे रखे हैं लिक्विडिटी रेशियो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो डेप्ट इक्विटी रेशियो इसको कवर कर लीजिए ऑलरेडी हमने कवर कर रखा है अपने फॉर्मूला पी कोर्स में आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं फिर हमारा ऑल इंडिया क्या है फिर उसके बाद एन ड्यू क्या है इसका फार्मूला कैसे

चलिए इसको देख लेंगे आप पेज नंबर फोर सिक्सटी फोर में वैल्यू डेट और टाइप ऑफ एक्सचेंज रेट देख लीजिए वैल्यू डेट का मतलब क्या होता है कि किस दिन करेंसी एक्सचेंज एक्चुअली हो रहा है तो जैसे मान लीजिए कैश रेट है मतलब एक्सचेंज जो है ना डेट ऑफ डील जिस दिन डील हो रहा है उसी दिन हो रहा है एक्सचेंज टॉर्म रेट मतलब क्या होता है कि नेक्स्ट वर्किंग डे हो रहा है देखिए दो चीज़ होता है एक होता है सेटलमेंट डेट और एक होता है हमारा डील डेट ठीक है तो मतलब एक होता है हमारा डील आज हमने मान लीजिए डील किया और सेटलमेंट हमने दो दिन बाद किया तो वो कल आएगा हमारा स्पॉट रेट ने सेकेंड वर्किंग डे में किया यदि हमने आज डील किया और सेटलमेंट हमने कल किया तो कल कल आएगा नेक्स्ट जो भी कल मतलब कल मान लीजिए वर्किंग डे आता वर्किंग डे इंपॉर्टेंट है तो मान लीजिए आज हमने डील किया सेटलमेंट हमने कल किया तो उसको टॉम रेट कहेंगे आज ही हमने डील किया आज ही हमने सेटलमेंट किया उसको हम लोग कैश या रेडी रेट बोलेंगे और फॉरवर्ड रेट क्या होता है कि स्पॉट रेट के बाद आज हमने डील किया और सेटलमेंट हम लोग पाँच दिन बाद कर रहे हैं दस दिन बाद कर रहे हैं ये सभी का सभी केस जो है फॉरवर्ड रेट के अंदर आएगा तो याद रखिए इस सबसे पहले कैश मतलब होता है कि आज का आज टॉम का मतलब होता है कल कल सेटलमेंट होना स्पॉट का मतलब होता है सेकेंड वर्किंग डे में सेटलमेंट होना और फॉरवर्ड का मतलब होता है आफ्टर स्पॉट डे सेटलमेंट होना ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है इस सभी वैल्यू डेट को देखते जाइए प्रीमियम का मतलब ये होता है कि हमारा करेंसी जो है फॉरवर्ड मार्केट में एक्सपेंसिव है डिस्काउंट का मतलब ये होता है कि करेंसी जो है फॉरवर्ड मार्केट में चीपर है ठीक है पर पहला सवाल विस टाइप ऑफ एक्सचेंज रेट इन्वाल्व करेंसी एक्सचेंज ऑन द डील ऑफ डेट ऑफ द डील तो डील के डेट दिन यदि एक्सचेंज हो जाए उसको हम लोग बोलते हैं रेडियो रेट या कैश रेट ठीक है ये इसको याद कर लीजिए अगला सवाल है एक्सचेंज ऑफ करेंसी टॉम के लिए कब होता है तो ये हमारा नेक्स्ट वर्किंग डे में होता है अगला सवाल है कौन सा एक्सचेंज रेट के अंदर करेंसी एक्सचेंज टू वर्किंग डे डे आफ्टर होता है तो स्पॉट रेट होता है फॉरवर्ड रेट क्या होता है तो हमारा स्पॉट डेट के बाद किसी भी दिन यदि हमारा एक्सचेंज हो जाए सेटलमेंट हो तो हमारा कहलाता है फॉरवर्ड रेट यदि करेंसी ज़्यादा एक्सपेंसिव है फॉरवर्ड मार्केट में एज कंपेयर तो टू स्पॉट मार्केट तो उसको क्या माना जाएगा तो प्रीमियम माना जाएगा ठीक है दोस्तों तो ये था हमारा पार्ट थ्री लेक्चर वाट टू स्टडी का ये इस प्रकार से मैं आपको पार्ट फोर लेक्चर भी प्रोवाइड करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो अपलोडेड हो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और यदि आपको कैप्सूल कोर्स की रिक्वायरमेंट है तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस पार्टिकुलर नंबर पर डिटेल जानकारी के लिए कि कैसे इसे अवेल किया जाए धन्यवाद